दोस्तों, मेरा नाम मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों, आज गुरु रंधावा के नेक्स्ट सॉन्ग का ऑफिशियल लुक जारी कर दिया गया है टी सीरीज की तरफ से। जी हाँ, आपको पता होगा कि कुछ दिनों से गुरु रंधावा और नोरा फतेही के कुछ अलग अलग लुक शेयर किए जा रहे थे कंपनी टी सीरीज, नोरा और गुरु तीनों की तरफ से, जिसमें ज़्यादातर जो लुक्स थे वो नोरा फतेही के थे। नोरा फतेही की कुछ अलग अलग फ़ोटोज डाली जा रही थी प्रमोशन के लिए, और उन्होंने बता भी दिया था कि नेक्स्ट सॉन्ग का जो नाम होगा वो होगा डांस मेरी रानी। आज इसी गाने का ब्रांड न्यू ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल लिख रखी है कि गाने का नाम होगा डांस मेरी रानी, और जो पोस्टर में जो VFXing यूज़ की गई है गुरु और नोरा के बैकग्राउंड में, वो काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हैं। और गाने को गुरु रंधावा और फीमेल सिंगर होंगी जारा खान और गुरु रंधावा मिलके गाएंगे गाने को। एक बार फिर से तनिष्क बच्चे ने ही म्यूजिक दिया है, इस बार इस गाने को लिखा है रश्मि विर्क ने। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा नाच मेरी रानी सॉन्ग, जो कि 6 से 7 महीने पहले ही आया था। आज उस गाने के 700 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। उस गाने में नोरा फतेही ही नज़र आई थी गुरु रंधावा के साथ। उस गाने को तनिष्क बख्शी ने ही लिखा था, तनिष्क बख्शी का म्यूजिक था। बस उस गाने में फ़र्क इतना था कि उसमें नोरा फतेही एक रोबोट के किरदार में थी, और इस गाने में एक जलपरी के किरदार में नोरा फतेही नज़र आएंगी। उस गाने को तनिष्क बख्शी ने लिखा भी था और म्यूजिक भी दिया था, और इस गाने का जो नाम है वो भी लगभग सेम ही है, बस दोनों गानों के जो टाइटल में जो वर्ड है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। पिछले गाने के टाइटल में एक वर्ड था नाच, इस बार नाच वर्ड नहीं है, इस बार है डांस, जो कि इंग्लिश वर्ड हो गया और नाच हिंदी वर्ड हो गया, बस इस वर्ड का ही फ़र्क है। मेरी रानी वर्ड दोनों गानों में सेम है टाइटल के अंदर, और इस बार इस गाने को तनिष्क बख्शी ने नहीं लिखा है। जी हाँ, इस बार इस गाने को लिखा है रश्मि विर्क ने, जो कि एक बॉलीवुड सॉन्ग राइटर है, और इन्होंने कई सारे सुपरहिट रिमेक सॉन्ग को लिखा है। ज़्यादातर गाने टी सीरीज पे ही आए हैं, ज़्यादातर गाने जो भी नौटियाल ने ही हाल फिलहाल में गाए थे 4-5 महीनों पहले। आपने जो भी इनके कई सारे गाने सुने होंगे, उनमें से ज़्यादातर गाने रश्मि विर्क ने ही लिखे थे, तो ये गाना रश्मि विर्क ही लिख रही हैं। गाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफ़ी दिनों पहले ही हो गई थी, 2-3 दिन से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी, और अलग अलग पिक्स डाली जा रही थी, अलग अलग फ़ोटोज डाली जा रही थी सोशल मीडिया पे, और आज फाइनली एक ऑफिशियली तौर पे टी सीरीज का ब्रांड लोगो लगा के एक नया पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें गाने की रिलीजिंग डेट और टाइमिंग बता दी गई। मैं आपको बता दूँ, गाना 21 तारीख को आएगा, और 21 तारीख को दोपहर 12:21 पर यह गाना रिलीज किया जाएगा, और कल ही इस गाने का टीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1:21 पर। यानी कि गाना रिलीज भी 21 तारीख को हो रहा है, गाने का टीजर भी 1:21 पर आएगा कल, और 21 तारीख को गाना 12:21 पर रिलीज किया जाएगा। यानी कि 21-21-21 जो है वो फिक्स ही है इनका, और 21 तारीख को ही गाना आएगा। और जैसे ही ये गाना आएगा तो यूट्यूब हैंग होने वाला है, क्योंकि नाच मेरी रानी गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ना, उसके बाद इन लोगों ने दिमाग लगाया कि इसी वाइब का गाना एक और निकालते हैं, और ये गाना शायद उसी वाइब का होगा, बस इसमें नाच मेरी रानी वर्ड नहीं होगा, इसमें होगा डांस मेरी रानी, और लिरिक्स पूरी तरह से चेंज होंगे, कंपोजिशन थोड़ी सी वैसी हो सकती है, बाकी मेरे को नहीं लगता कि लिरिक्स वो वाले होंगे पहले वाले गाने के। अगर पहले वाले ही लिरिक्स लिखने थे तो ये इन्होंने बनाना ही नहीं था ये गाना। तो देखते हैं कि सर को गाना जब रिलीज होता है और कल टीजर के लिए हो जाए तैयार। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।